नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बारे में। भारत और पूरी दुनिया में करी गई ये सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज थी और इस मिलिट्री एक्सरसाइज ने भारत पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर ला दिया था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है और पूरा ऑपरेशन क्या था, किस तरह से ये अंजाम दिया गया और फाइनली भारत पाकिस्तान के बीच की टेंशन कैसे कम हुई, इसी की कहानी आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ऐप पर हमारा फ्लैगशिप स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप ये तैयारी कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर। और इस कोर्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। उसके अलावा डॉक्टर गौरव गर्ग सर, प्रशांत धवन सर, अनिरुद्ध सर, अंकित अग्रवाल सर और अन्य कई एमिनेंट फैकल्टीज के द्वारा ये कोर्स तैयार किया गया है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से स्टडी आईक्यू ऐप को। इस मैप से आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे, भारत और पाकिस्तान की एक बहुत ही लंबी सीमा है। अगर आप मुझे कमेंट में बता सकें कि कितने किलोमीटर लंबी ये सीमा है तो बहुत अच्छा होगा। तो इस सीमा पर भारत पाकिस्तान 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं। हालांकि कारगिल और 1947 का जो वॉर है वो मोस्टली जम्मू कश्मीर तक ही सीमित था और 65 और 71 की लड़ाई में पूरे फ्रंट पर लड़ाई हो रही थी। अब ये जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर के आसपास भारत और पाकिस्तान दोनों की आर्मीज कई बार समय समय पर मिलिट्री एक्सरसाइज करती रहती हैं। तो ऑपरेशन ब्रास टैक्स किया गया था 1986 नवंबर से लेकर 1987 के मार्च तक, यानी लगभग 4-5 महीने ये एक्सरसाइज चली थी और ये हुआ था राजस्थान में। तो इसकी लोकेशन थी राजस्थान। राजस्थान का भी कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया शामिल था। बॉर्डर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूरी में स्थित जितना भी रेगिस्तानी इलाका है थार डेजर्ट का, वहाँ पर ये एक्सरसाइज करी गई थी। और ये इतने बड़े एरिया में फैली हुई एक्सरसाइज थी कि पाकिस्तान को एक वक्त लगने लगा कि हम पर हमला होने ही वाला है। तो लोकेशन याद रखिएगा, राजस्थान का थार डेजर्ट। टाइम पीरियड था इसका नवंबर 1986 टू मार्च 1987। भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और पाकिस्तान में मिलिट्री शासन था जनरल जिया उल हक का। इस ऑपरेशन का नाम काफी इंटरेस्टिंग था, ब्रास टैक्स। ब्रास टैक्स के दो मतलब होते हैं। देखो, एक तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, इस तरह की पिन जो आपको नोटिस बोर्ड वगैरह पे दिख जाएगी, ये पेपर चिपकाने के काम आती है नोटिस बोर्ड पे। दूसरा, ब्रास टैक का एक कॉमन लैंग्वेज में यूजेज इस तरह से हो गया है, अगर कोई कहता है कि गेट टू द ब्रास टैक्स, इसका मतलब है कि आप सीधे फैक्ट पर आओ, सीधे मुद्दे की बात पर आओ। तो ब्रास टैक्स उस तरह से भी यूज किया जाता है और इन पिन्स को भी ब्रास टैक्स कहा जाता है। ऑपरेशन ब्रास टैक्स का आइडिया था तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी का। के सुंदर जी भारतीय फौज के एक बहुत ही फेमस मिलिट्री कमांडर हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनको बड़ी बड़ी बैटल्स को प्लान करने में काफ़ी एक्सपर्टीज हासिल थी। तो इनका एक आइडिया था कि अगर कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है तो भारतीय फौज उसके लिए तैयार है या नहीं, ये हमें चेक करने की आवश्यकता है और उस स्तर पर चेक करने की आवश्यकता है जिस स्तर पर युद्ध होगा। तो आमतौर पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं तो 30-40-50 हज़ार सैनिक शामिल होते हैं, लेकिन इन्होंने एक बड़े स्तर पर मिलिट्री एक्सरसाइज प्लान करी जिसके अंदर ऑलमोस्ट आधी आर्मी को शामिल किया गया था। लगभग 4 से 6 लाख सैनिक इसमें शामिल हुए और इनका लक्ष्य ये था कि आर्मी मैकेनाइज जो हो रही है धीरे धीरे, इसको चेक किया जाए किस तरह से मोबिलिटी होती है, कितनी जल्दी सब कुछ बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकता है, सारा साजो सामान, सैनिक और एयर सपोर्ट किस तरह का मिलेगा। क्योंकि देखिए, इंडियन आर्मी में अब केवल ऐसा नहीं है कि फौजी बंदूक उठाकर जा रहा था। बाय द टाइम 80s हैड अराइव्ड, हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम्स भी आ गए थे कुछ कुछ, लेकिन उनको बैटल फील्ड में टेस्ट नहीं किया गया था। और नए तरीके के टैंक्स भी आ रहे थे, कई नए हथियार थे, वेपन सिस्टम्स थे, तो उन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए एक बड़े स्तर की बैटल एक्सरसाइज करने का आइडिया था जनरल के सुंदर जी का। अब इसकी जो स्केल है वो कभी नहीं देखी गई थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतने सैनिक एक साथ किसी मिलिट्री एक्टिविटी में या एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुए थे। आज भी अगर आप देखोगे तो नेटो की या फिर रशिया की जो बड़ी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है उनमें मैक्सिमम 1 लाख सैनिक शामिल होते हैं। 2018 में रशिया ने वोस्तोक एक्सरसाइज करी थी, उसमें 3 लाख सैनिक शामिल हुए थे। तब इतना हवा मच गया था इसका कि यह आज दिन तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन एनालिस्ट उस समय भी भूल गए कि ब्रास टैक्स वॉज बिगर देन वोस्तोक। तो ऑपरेशन ब्रास टैक्स में अब एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि 4 से 6 लाख सैनिक शामिल हुए थे। भारतीय आर्मी की स्ट्रेंथ उस समय 11 लाख थी, अभी भी लगभग 12 से 13 लाख के बीच में है। ब्रास टैक्स से पहले इतने ज़्यादा सैनिकों का मोबिलाइजेशन हुआ था 1971 की लड़ाई के दौरान, और उसके बाद कभी नहीं हुआ है कि इतने सैनिक एक साथ एक एक्सरसाइज में शामिल हुए हों। इस एक्सरसाइज में सेना के 9 इन्फेंट्री डिवीजन, 3 मैकेनाइज्ड डिवीजन, 3 आर्मर्ड डिवीजन, 1 एयर असॉल्ट डिवीजन और 3 अलग आर्मर्ड ब्रिगेड्स शामिल थी। एक डिवीजन में भारत में
20 से 25,000 सैनिक शामिल होते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज ये थी। हर मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह ऑपरेशन ब्रास टैक्स का पहला मकसद तो यही था कि सोल्जर्स को बैटल रेडी रखा जाए, उनको वॉर सिमुलेशंस में प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे। ब्रास टैक्स ये भी चेक करना चाहता था कि क्या इंडियन आर्मी और नेवी साथ मिलकर एक जॉइंट हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पर, इसके लिए कितनी प्रिपेयर्डनेस है, ये चेक करनी थी। तो नेवी ने भी इसमें हिस्सा लिया था और एक सिमुलेट किया था कि अगर किसी पाकिस्तानी नेवल बेस पर अटैक किया जाएगा, एम्फीबियस असॉल्ट, जिसमें सैनिकों को बोट्स के द्वारा पहुंचाया जाएगा टारगेट तक। अगला ऑब्जेक्टिव था डीप स्ट्राइक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को चेक करना। तो यहां राजस्थान से क्या फ्यूचर में पाकिस्तान में यहां अटैक करके पंजाब और सिंध को अलग किया जा सकता है, ये स्ट्रैटेजी भी चेक करनी थी। ये एक तरह की डीप स्ट्राइक होगी जो पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट कर रख देगी। ब्रास टैक्स का एक और बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को मालूम करना। तो देखिए 1986 तक पाकिस्तान ने पब्लिकली कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है, डेवलप कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस को पता था, भारतीय इंटेलिजेंस और दुनिया की कई देशों को ये बात मालूम थी कि पाकिस्तान एक्टिवली पिछले 10-12 सालों से न्यूक्लियर हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और भारत ये चाहता था कि अगर इस तरह की कोई बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो मे बी पाकिस्तान ऑफिशियली ये बता देगा कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, डेटरेंस शो करने के लिए। एक और ऑब्जेक्टिव था कि भारतीय फौज इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर पाकिस्तान में बहुत बड़ी टेरिटरी हमारे पास आती है तो कैसे उसे अपने कंट्रोल में रखना है और किस तरह से वो पूरा ऑपरेशन चलेगा, इसका भी एक सिमुलेशन हो। तो इसीलिए राजस्थान में भी कोई एक छोटे से 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये एक्सरसाइज नहीं हुई थी, इट वॉज स्प्रेड अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी। अब जब इतने बड़े स्तर पर ट्रूप मूवमेंट्स होती हैं तो हमेशा आपके पड़ोसी देश को या दुश्मन देश को पता चल ही जाता है, हमें भी पता चल जाता है, पाकिस्तान को भी चल जाता है, सभी के इंटेलिजेंस सोर्स होते हैं, तो इस तरह का बड़ा ट्रूप मूवमेंट छुपाना इम्पॉसिबल है। तो भारत को ये बात पता थी और पाकिस्तान ने जैसे ही इतने बड़े ट्रूप मूवमेंट को देखा, मिलिट्री एक्सरसाइज को होते हुए देखा, तो उसे ये लगने लगा कि भारत मिलिट्री एक्सरसाइज केवल नाम की कर रहा है, एक्चुअली में ये पाकिस्तान पर हमले की तैयारी है। फौज को बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, बिल्कुल बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर पर ही ये एक्सरसाइज करी जा रही थी। तो पाकिस्तान ने भी अपनी आर्मी को बॉर्डर पर भेजना शुरू कर दिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर एक अलग पैंतरा अपनाया, उसने राजस्थान बॉर्डर के बजाय पंजाब बॉर्डर पर अपनी आर्मी कॉन्सेंट्रेट करी। इसके पीछे रीज़न ये था कि तब पंजाब में इंसर्जेंसी चल रही थी, अपने चरम पर थी, तो पंजाब एक सेंसिटिव एरिया था, तो भारत वहाँ पर किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं उठा सकता था। और जनवरी के मध्य तक दोनों सेनाएं आमने सामने थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आर्मी भी बॉर्डर पर पहुंच गई है और इधर राजस्थान में ये एक्सरसाइज चल ही रही थी बॉर्डर के पास, तो दोनों सेनाएं बिल्कुल बॉर्डर पर तैनात थी और ऐसा लगने लगा था कि शायद जंग छिड़ सकती है। ये बात है 1987 जनवरी की। पाकिस्तान ने अपने सभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी हाई अलर्ट पर रख दिया, हालांकि उन्होंने पब्लिकली ये बात बोली हुई नहीं थी कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की कैपेबिलिटी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत और लगभग सभी पश्चिमी देशों को ये लगता था कि पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बना चुका है, बस उसने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया है। और ये जब एक्सरसाइज चल रही थी तब एक और वाक्य हुआ, AQ खान, इनका नाम आपने शायद सुना होगा, बाद में इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो सीक्रेट्स हैं वो अन्य कई देशों को बेचे, तो AQ खान वॉज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ, ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। AQ खान ने एक प्रेस इंटरव्यू के अंदर ये बात कह दी कि भारत चाहे कितनी भी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कर ले, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो उनकी ये बात जो है ऑफिशियली सरकार ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट कर लिया गया, बट ये बात बाहर आ चुकी थी और ये बात ऑलमोस्ट श्योर हो गई कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है अगर दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ती है। लेकिन कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ क्योंकि डिप्लोमेसी अपना काम कर गई। तो देखिए डिप्लोमेट्स की यही इंपॉर्टेंस होती है कि वो बड़े से बड़ा युद्ध टाल सकते हैं, इसीलिए अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं तो आपको भी शायद भविष्य में इसी प्रकार के हालातों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर आपकी सूझबूझ बहुत ही काम आती है। यू नीड अ काम एंड कंपोज्ड माइंड। जनवरी के महीने में जब दोनों देशों की फौजें आमने सामने थी तो टेंशन अपने पीक पर थी, चरम पर थी, तो ये देखा जाने लगा कि किस तरह से टेंशन को डिफ्यूज किया जाए। अब ऐसे माहौल में क्या होता है ना कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक कमजोरी का साइन देखा जाएगा कि ये सुलह करने चले गए। तो ऐसे में क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा अपनाया गया। तब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट सीरीज चल रही थी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जिया उल हक को इनविटेशन दिया गया भारत की तरफ से कि आप क्रिकेट मैच देखने आओ। तो जनरल जिया उल हक आए जयपुर और यहाँ पर उन्होंने मैच देखा। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये कपिल देव से बात कर रहे हैं, दिस इज जनरल जिया उल हक। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये कौन है? आई थिंक दिस इज रवि शास्त्री, बट मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आप लोग श्योर हैं तो बताइएगा जरा। अब देखिए मैच तो एक बहाना था, एक्चुअली में प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मीटिंग करनी थी और मीटिंग हुई दोनों की दिल्ली में और ये बात तय करी गई
कि दोनों अपने अपनी तरफ से फौज को विड्रॉ करेंगे बॉर्डर से, फेज्ड विड्रॉल होगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि कश्मीर में 1.5 लाख ट्रूप्स को दोनों देश पीछे खींचेंगे, उसके बाद राजस्थान में जो फौजें हैं राजस्थान बॉर्डर से पीछे लाई जाएगी। तो राजस्थान बॉर्डर का मतलब है कि भारत में जो एक्सरसाइज चल रही थी ऑपरेशन ब्रास टैक्स, उसमें सैनिकों को कम किया जाएगा। तो ये जब डेवलपमेंट होता है फरवरी एंड और मार्च की शुरुआत में, तब इस समय कई और एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए, देयर वर मेनी अदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो इसे डिप्लोमेसी की भाषा में CBM कहा जाता है, जब आप कई छोटे छोटे एग्रीमेंट साइन करते हैं जिससे दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इतने इंपॉर्टेंट थे कि अगले साल 1988 आते आते दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही अहम समझौता साइन हो गया, नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट। तो 1988 में राजीव गांधी गए पाकिस्तान और उन्होंने वहां पर नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया, और इसके तहत ये बात तय करी गई कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे कभी हमला नहीं करेंगे, ना ही किसी तीसरे देश की मदद करेंगे इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करने के लिए। ये अश्योरेंस या फिर ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए भारत के पास बहुत सारे परमाणु बिजली घर हैं और उन पर युद्ध की स्थिति में कभी डायरेक्टली हमला ना हो और हमारे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में ना आए, इसके लिए ये एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और बाकी पूरी दुनिया की भी टेंशन को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक और अनोखा कदम उठाया। भारत ने पहली बार विदेशी मीडिया और विदेशी राजनयिकों को ऑपरेशन ब्रास टैक्स यानी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज देखने के लिए इनवाइट किया। जनरल सुंदर जी ने उन्हें वहां बताया कि आप अपनी आंखों से देख लो कि यहां पर हम कोई लड़ाई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज है जैसा दुनिया में हर देश या हर आर्मी करती है। और इसमें दुनिया भर का मीडिया आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स का आप आर्टिकल देख सकते हैं 6 मार्च 1987 का, और ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी PR अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि सभी अखबारों ने, विदेशी मीडिया ने भारत की आर्मी की तारीफें करी। उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी आर्मी है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैकेनाइज डिविजन्स वगैरह बहुत एडवांस्ड हैं। तो जहां दुनिया समझती थी कि भारत की आर्मी एक थर्ड वर्ल्ड की आर्मी है, वो इमेज हमेशा के लिए टूट गई। और ओवरऑल इससे फ़ायदा ही हुआ, पाकिस्तान को भी एक संदेश पहुंच गया इनडायरेक्टली कि हमारी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसमें हम बहुत आगे हैं पाकिस्तान से। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करना चाहता हूं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में आपके साथ। एक सीनियर मिलिट्री जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल PN हून, जो उस वक्त वेस्टर्न कमांड के कमांडर थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये बात कही कि इस पूरे ऑपरेशन ब्रास टैक्स, इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता ही नहीं था। उन्होंने अपनी किताब में और कई इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि जनरल सुंदर जी ने राजीव गांधी से एग्जैक्टली इस ऑपरेशन का स्केल क्या है ये बात छुपाई। राजीव गांधी को बिल्कुल नहीं आइडिया था कि पाकिस्तान पे हमला करने की पूरी तैयारी हो रही है या फिर इस स्तर की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ऐसे ही किसी पार्टी में जब वो राजीव गांधी से मिले और राजीव गांधी ने इन्हें मजाक में पूछा जनरल हून को कि आप वेस्टर्न कमांड के कमांडर हैं तो बताइए वेस्टर्न फ्रंट कैसा है, तो इन्होंने बताया कि बस बिल्कुल आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है और एक्सरसाइज फुल स्विंग में है। तो राजीव गांधी एकदम चेहरा उनका देखते रह गए, उन्हें मालूम ही नहीं था कि इतना कुछ आगे हो चुका है। वैसे आपको ये भी बता देता हूँ कि जनरल हून और जनरल सुंदर जी के बीच में एक प्रोफेशनल राइवलरी सी थी, लेकिन स्टिल अगर इतने सीनियर मिलिट्री कमांडर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो मे बी हो सकती है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।